राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है रविवार, तो रविवार के दिन जो है ना, सूर्य अर्घ देना आप बिल्कुल ना भूलें। अगर रोज़ में बीच में एक आध बार अगर भूल जाते हैं ना, तो रविवार को जो है ना बिल्कुल नहीं भूलना है। रविवार को सूर्य देव को अर्घ ज़रूर दें, क्योंकि रविवार जो है ना सूर्य देव का ही दिन होता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने सूर्य देव को अर्घ दे दिया है। नीचे गमले में जाना चाहिए, पानी नीचे नहीं फैलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और देखिए, हमारे कान्हा जी जो है ना निद्र अवस्था में लीन है, बहुत प्यारी तरह से जो है सो रहे हैं। सारे भगवानों को मैंने उठा दिया है, बस लड्डू गोपाल को नहीं उठाया। देखिए, संडे के दिन तो बच्चों का मन होता है कि हम थोड़ी देर बाद उठें, तो बस उनको मैंने यहाँ पर प्यार से उठा दिया है। और देखिए, मेरे भाव जैसे होते हैं वैसे मैं उठा देती हूँ। बहुत सारे लोग जो है ना लोरी गाकर जो है ना उन्हें उठाते हैं, गाना गाकर उठाते हैं। मुझे नहीं आते इतने जाना गाने वगैरह, तो ऐसे ही भाव से जो है ना मैं उन्हें उठा देती हूँ। तो चलिए, उनके लिए जो है ना मैंने दूध गर्म कर दिया है। सो के उठते ही ना मेरे कान्हा जी को लगती है भूख, बहुत तेज़ों वाली भूख लग रही है अभी उन्हें। तो आज संडे है, तो संडे के दिन जो है ना तुलसी नहीं तोड़ी जाती, तो मैं एक दिन पहले जो है ना तुलसी तोड़ के देखिए कटोरी में रख लेती हूँ। और तुलसी के बिना तो मेरे कान्हा जी जो है ना भोग बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, उनको गुस्सा आ जाएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर तुलसी डाल दी है, और अब देखिए मेरे कान्हा जी पी लेते हैं फटाफट जल्दी से दूध। मेरे घर के मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सभी को मैंने स्नान करवा दिया। और देखिए, राधा रानी की टोपी जो ना थोड़ी सी टेढ़ी हो रही थी, उसको भी मैंने ठीक कर दिया है। बस रह गए हैं तो मेरे बाल गोपाल, और बाल गोपाल को जो है ना मैं रविवार के दिन स्पेशल स्नान कराती हूँ। अभी चल रही हैं सर्दियाँ, तो सर्दियों में जो है ना थोड़ा सा रुक कर स्नान कराती हूँ, क्योंकि बहुत ठंड रहती है। जब तक धूप नहीं आती जब तक जो है ना कान्हा जी मेरे करते हैं आराम। और यहाँ पर सभी भगवानों को स्नान करने के बाद जो है ना पूरा सामान जो है ना मैंने समेट लेती हूँ। कान्हा जी की बढ़िया सी जो है ना आज मैंने ड्रेस निकाल दी है, अच्छा सा स्वेटर निकाल दिया है, उनकी माला भी आज बदल दी है। और ये कपड़े वगैरह तो जैसे गंदे होते हैं ना वैसे चेंज करती रहती हूँ, मेरा ये रहता है, कोई फिक्स डे नहीं है इसका। जब गंदे हो जाते हैं जब भी उनको हटा देती हूँ। तो आज मुझे थोड़े से गंदे लग रहे थे, क्योंकि नीचे का जो सफ़ेद कपड़ा मैंने बिछा रखा था, सफ़ेद कपड़ा जो है ना बहुत जल्दी गंदा होता है, तो गंदा सा लग रहा था, उसको ने हटा दिया। तो बस अपने कान्हा जी को बिठा दूंगी मैं धूप में। थोड़ी देर मेरे कान्हा जी बढ़िया सी कुर्सी पर बैठकर आराम से मेरे कान्हा जी ने आधा 15 मिनट जो है ना धूप लेते हैं। और उसके बाद देखिए, मैंने उतार दिया अपने कान्हा जी का स्वेटर। उनको गर्मी लगने लगती है, धूप धूप में जो है ना तेजाई बहुत है हमारे घर पर, तो गर्मी सी जो है ना महसूस होने लगती है। अब करूँगी मैं बढ़िया से सरसों के तेल से कान्हा जी की मालिश। इसे कड़वा तेल बोला जाता है, नहाने से पहले जो है ना ऐसे ही तेलों से मालिश की जाती है। आप चाहे तो नारियल के तेल से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर सरसों के तेल से कर रही हूँ, क्योंकि सरसों का तेल हमारे यहाँ पर शुद्ध आता है इसी वजह से। तो यहाँ पर मैंने बढ़िया से हल्के हल्के हाथों से जो है ना कान्हा जी की मालिश कर दी है, ताकि उनके शरीर में जो है ना बिल्कुल भी कोई अकड़न ना रह जाए। यहाँ पर हम कर रहे हैं कान्हा जी का बाटअप तैयार। तो इसमें देखिए गुलाब की पत्तियाँ डाल दी हैं, कुछ गेंदे की फूल की पत्तियाँ डाल दी हैं। तो रविवार के दिन जो है ना इसी बाटअप में जो है ना मैं अपने कान्हा जी को स्नान कराती हूँ। रोज डेली तो नहीं कराती, क्योंकि डेली सिंपल स्नान करवा देती हूँ, गर्म जल से सिंपल उन्हें स्नान करा देती हूँ। आज है रविवार, छुट्टी का दिन है, तो मेरे कान्हा जी जो है ना इस टब में अच्छे से नहा लेंगे और अच्छे से जो है ना खेल लेंगे। बच्चों को ना जल में खेलने से बड़ा मज़ा आता है, पानी में बस उन्हें छोड़ दो बस, फिर देखिए उनका आनंद बहुत मज़ा लेते हैं। तो आज रविवार है, रविवार के दिन जो है ना इस जल में मैं अपने कान्हा जी को बिठा दूंगी। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें, जल हल्का सा आप गर्म करके ही डालें, इस बात का ध्यान रखें, एकदम ठंडे जल में कान्हा जी को ना बिठा लें, क्योंकि उनको सर्दी लग जाएगी। तो बस यहाँ पर मेरे कान्हा जी थोड़ा सा इंजॉय कर लेंगे, बहुत मज़े करते हैं कान्हा जी। और कान्हा जी की जो है ना स्माइल देखिए, बहुत खुश हो जाते हैं वो इस तरह के टप में बैठ कर, तो उनको आनंद ही आनंद आ जाते हैं।
तो बस इसके बाद जो है ना मैं करवाऊंगी आज उन्हें चंदन से स्नान। और अभी तो जो है ना सर्दियां चल रही हैं, सिंपल गर्म पानी से जो है ना डेली मैं उनको स्नान करवा देती हूँ। वैसे जो है ना मैं अपने कान्हा जी के ऊपर चंदन पाउडर कभी जो है ना वो बोलते हैं ना क्या वो मेरे को देखो नाम नहीं आ रहा है, पंचामृत, पंचामृत से स्नान करवा देती हूँ। तो अभी सर्दियाँ हैं तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने बंद कर रखी हैं। सिर्फ रविवार के दिन जो है ना कभी पंचामृत से स्नान करवा देती हूँ, कभी जो है ना मैं चंदन पाउडर लगा देती हूँ। तो ऐसा रहता है। आज जो है ना चंदन पाउडर ले लिया है मैंने हाथ में, हल्दी कान्हा जी के साथ जो है ना मैंने भी बहुत ज़्यादा मज़े किए। देखिए किस तरह से जो है ना मैं कान्हा जी को स्नान करवा देती हूँ संडे के दिन उनके साथ। देखिए मुझे भी जो है ना खेलने का जो है ना मौका मिल गया। तो इस तरह से देखिए पत्तियों से जो है ना हल्के हल्के जो है ना मैं उनका पूरा चंदन जो भी मैंने लेप उनके ऊपर लगाया था वो सबको जो है ना इस तरह से निकाल दूंगी। इसके बाद जो है ना शुद्ध जल से जो है ना भगवान को थोड़ा सा मैं स्नान करवा दूंगी, ताकि अगर कहीं चंदन लगा रह गया होगा ना तो वो पूरी तरह से निकल जाएगा। और धूप में जो है नहाने का जो मज़ा है ना सर्दियों में उसकी तो बात ही अलग है। और हल्की हल्की धूप जो है ना ठाकुर जी के चेहरे पर पड़ रही थी तो उन इस वजह से जो है ना उनको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती। और रविवार के दिन जो है ना मेरी ठाकुर जी का रूटीन ऐसा ही रहता है। तो दिन में जो है ना थोड़ा सा बदलाव करना बहुत ज़रूरी रहता है, हर दिन एक जैसा नहीं होना चाहिए। तो रविवार के दिन थोड़ा सा लेट जो है ना मैं भगवान को स्नान कराती हूँ। और देखिए इसके तरह से जो है ना मैंने भगवान को अंग पोषण कर दिया, क्योंकि ज़्यादा देर अगर जल में रहेंगे तो उनको लग जाएगी सर्दी। तो बस उनका अंग पोषण कर देंगे। इसके बाद जो करेंगे उनकी इत्र से बढ़िया सी मालिश। बहुत सारे लोग पूछते हैं दी आप कौन सा इत्र लगाती हैं, तो नाम तो देखिए मुझे भी कभी याद नहीं रहा। जो अच्छा लगता है बढ़िया सा लगता है वो बस लेकर आ जाते हैं मार्केट से। तो कोई एक सा कोई फिक्स नहीं रखा कि मुझे यही इत्र लेना है, जो बढ़िया लगता है मुझे जिसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है वो ले लेते हैं। तो बस यहाँ पर हल्के हल्के हाथों से यहाँ पर मैं इत्र की बढ़िया सी मालिश कर दूँगी। और वैसे भी मेरे कान्हा जी तो बिना इत्र के ही बहुत प्यारे लगते हैं, वैसे ही उनकी सुगंध तो जो है ना पूरे संसार को महका देती है। और आज जो है ना पीले कलर का जो है ना ड्रेस मैंने उन्हें पहनाया है। ये वाला ड्रेस पहली बार नहीं पहनाया, दूसरी बार मैं इसको पहना रही हूँ। और शायद मैं इसको लेकर आई थी वृंदावन से लेकर आई थी, हाँ मुझे याद आ गया। और इसके बाद जो है हम पहनाएंगे ठाकुर जी को ये वाला स्वेटर, ये है क्रीम और रेड कलर में है। तो देखिए मेरे कान्हा जी ने स्वेटर पहन लिया है। और इसके बाद बढ़िया से उनको माला पहनाएंगे। और ये हरी कलर की जो है ना मैंने माला पहना दी है, छोटी सी माला पहनाई है, क्योंकि स्वेटर के ऊपर जो है ना बहुत गुथा गुथा सा लगने लगता है, क्योंकि पहले फ्रॉक पहनाई है उसके ऊपर स्वेटर पहनाया तो बहुत मतलब हैवी हैवी से लगने लगते हैं मेरे कान्हा जी। तो यहाँ पर बस छोटा सा चंदन का टीका कर देती हूँ और हो गया देखिए मेरे कान्हा जी का श्रृंगार। बिल्कुल सादा सिंपल रखती हूँ, मुझे भी खुद को भी जो है ना ऐसे ही रहना पसंद है इसी वजह से। और ये है इसी में जो है ना टोपा लगा हुआ है। तो अभी तो मेरे कान्हा जी जो है ना 5-10 मिनट जो है ना धूप में ही बैठेंगे, क्योंकि अभी अभी जो है ना मैंने उनको स्नान करवाया तो सीधे जो है ना अंदर नहीं लेके जाती उनको। और यहाँ पर एक छोटी सी कुर्सी है मेरे पास, तो इस पे आप चाहे तो अगर बिठाना चाहते हैं धूप में तो एक कपड़ा भी बिछा सकते हैं। मैंने यहाँ पर फूलों का आसन देकर जो है ना अपने कान्हा जी को यहाँ पर विराजमान कर दिया है। और थोड़ी देर उनको धूप में बिठा लूँगी, इसके बाद ले चलेंगे हम अपने कान्हा जी को अंदर। और अंदर ले जाकर जो है ना हम आरती की तैयारी करते हैं। तो डायरेक्ट जल स्नान कराने के बाद अंदर नहीं लेके जाना चाहिए छोटे बालक को, थोड़ा सा उनको धूप जरूर दिखाएं आप। तो 5-10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब समेटते हैं अपना पूरा सामान। और यहीं आंगन में जो है ना हमारे बहुत अच्छी धूप आ जाती है, तो कहीं जाने की जो है ना ज़रूरत नहीं पड़ती। पास में ही मेरे पूजा का घर है। तो बस सारा सामान देखिए मैंने समेट लिया है और चलिए लेकर चलते हैं कुर्सी सहित जो है ना हम अपने ठाकुर जी को लेकर चलेंगे अंदर। तो बस इसके बाद करेंगे हम अपने ठाकुर जी की आरती। बाकी सारे भगवानों की आरती जो है ना मैंने सुबह ही कर दी थी, ऐसा नहीं है कि इस ठाकुर जी के चक्कर में जो है ना सारे भगवान बैठे रहे, तो ऐसा नहीं है। सभी की आरती कर दी थी मैंने। और यहाँ पर ना अब ठाकुर जी की आरती रह गई है, तो स्नान कराने के बाद आरती ज़रूरी होती है। तो बस यहाँ पर देखिए घी के दीपक को मैंने प्रज्वलित कर लिया है और चलिए करते हैं अपने बाल गोपाल की आरती। और यहाँ पर सिंहासन पर कर दिया है उनको विराजमान, टोपा में बंद, बिल्कुल कहीं से कोई सर्दी ना लग जाए हमारे कान्हा जी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना ठंडी हो रखी है और छोटे बच्चों को जो है ना ठंड से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
इसके बाद लगाएंगे हम कान्हा जी को भोग, और भोग जो है ना आरती से पहले लगाया जाता है। यहाँ पर जो है ना मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, कामों में जो है ना ऐसी उलझ जाती हूँ कि बिल्कुल ध्यान भूल जाता है। कोई बात नहीं, कान्हा जी सब समझते हैं, आजकल सर्दियों का टाइम हो गया है, टाइम जो है ना बिल्कुल मिल नहीं पाता, एक एक मिनट की जो है ना बहुत ज़्यादा कीमत हो जाती है। तो बस बाद में यहाँ पर मैंने कान्हा जी को यहाँ पर चने का जो है ना भोग लगा दिया है। इसके बाद जो है ना मेरे घर पर जो भी बनेगा खा, जो भी मतलब भोजन बनेगा उसका मैं यहाँ पर कान्हा जी को भोग लगा देती हूँ। तो इस तरह से रहता है। और दिन में कितनी बार भोग लगाती हूँ इसका भी जो है ना वीडियो मैं आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगी, ताकि आपको भी जो है ना आइडिया हो सके। और रविवार के दिन जो है ना तुलसी तोड़ी नहीं जाती, एक दिन पहले जो है ना मैं तुलसी तोड़ के रख देती हूँ, ताकि जितनी बार भी भोग लगाऊँ तुलसी उसमें ज़रूर मिलाऊँ। जय श्री राधे मित्रों।